आर योर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो आई थिंक आपको ये इम्प्रूव सेशन डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए. इम्प्रूव सेशन क्या है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाओ उसको चेक करो. इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, और मुझे लगता है आपको करना भी चाहिए, तो आप क्या करो, हमारे वेबसाइट पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दो, सो दैट हम आपको उसमें ऐड कर सके. चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा रोटेशनल मोशन, और ये रोटेशनल मोशन का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था बेसिक क्या होता है रोटेशनल मोशन, कंपेयर हमने किया था सर्कुलर मोशन से, कैसे सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी रिफरेंस सेंटर के अबाउट चारों तरफ रोटेट करता है, और यहाँ पर हम बात करेंगे एक सिस्टम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा होगा. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया, जो सेम लाइक लीनियर मोशन में होता है, लीनियर फोर्स जैसे लगाते हैं एफ, वहाँ पे होता है मास एम, और यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं मास एम के जगह पे आता है एक आई, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलते हैं. तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया एक्चुअली होता क्या है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. उससे पहले हम जाएंगे काइनेटिक एनर्जी. यदि लीनियर मोशन हम देखते थे, जब वी वेलोसिटी होता है तो काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा 1/2 mv². लेकिन रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी हमारा आता है 1/2 summation of mirri² into ω². ये ड्राइव करेंगे तो आएगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, इसी को ऐसे रिप्रेजेंट करता है दिस थिंग इज आई, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी. जब इसको कंपेयर करते हैं लीनियर मोशन वाले काइनेटिक एनर्जी से, तो देखिए हाफ तो यहाँ भी है, हाफ यहाँ भी है. यहाँ पर वेलोसिटी लीनियर मोशन था तो वी है, और यहाँ पर रोटेट कर रहा है इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर होगा. लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. जस्ट यहाँ पे एम के जगह या क्या आ गया, आई आ गया, और रोटेशनल मोशन है इसलिए वी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो आई हम जिसने बोला है, इसका यूनिट क्या होगा, ये वैसे डिफाइंड है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर. यहाँ एम क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सपोज दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर. सो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई इज एम इंटू आर स्क्वायर. इसके यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास का केजी लिखते हैं और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब इसके लिए हम देखेंगे दो लॉज होता है. फर्स्ट लॉ होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड सेकंड लॉज होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. इस थ्योरम्स का यूज करके हम डिफरेंट शेप के जो ऑब्जेक्ट हो गए उसके मोमेंट ऑफ इनर्सिया फाइंड करेंगे. फर्स्ट है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और इस ऑब्जेक्ट का मास m है. एक हमने क्या लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. हो सकता है इसके परपेंडिकुलर हो, या इस हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बस सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए. और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्सिया द बॉडी नोन है आई सी. तो इस केस में यदि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कोई दूसरा एक्सिस लेते हैं पैरेलल में, ये क्या है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कि एम है या एच है, सॉरी एम नहीं एच है, और इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई सी है, बस इतना याद रखिए. तब इस एक्सिस के पैरेलल में यदि कहीं भी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे, कैसे घुमाएगा ये, यहाँ पे ऑब्जेक्ट
मोमेंट ऑफ इनर्सिया यहाँ पे IC जो आया है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के वक्त इस तरह आया है। अब क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करा, कैसे घूमेगा ये, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो अब इस केस में ऐसे घुमाते हैं। फर्स्ट केस में क्या था, ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही थी एक लाइन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा, अब वहाँ पे ये ऐसे घूम रहे थे, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको IC है। अब नेक्स्ट केस क्या है हमारा कि इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल हमने लिया है दूसरा एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको I फाइंड करना है। तो इसके लिए डेरिवेशन भी सिंपल है लेकिन मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ इसका। ये I हमको यदि फाइंड करना है, ये होता है ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया IC प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट M इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो यहाँ पे एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना h, तो h स्क्वायर होगा, याद रखना इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अदर देन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, IC प्लस mh स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट मेथड था, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कैसे इसका यूज करना है। पहले हमने क्या देखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है ये, और z की बात करें तो z कितना हो जाएगा, यहाँ से r डिस्टेंस है। तो हमको ये फाइंड करना है कि सपोज कि x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको आई एक्स नोन है और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई वाई नोन है, तो आई जेड कितना होगा, मीन्स जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये x है और ये y है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो r कितना होना चाहिए, r स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें यदि हम मास m से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस m इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है इस तरह x एक्सिस के अलॉन्ग जहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होना चाहिए, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो मास m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज y, तो m इंटू वाई स्क्वायर होना चाहिए क्या हमारे पास, I x, x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आई एक्स इक्वल टू m इंटू वाई स्क्वायर। और y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमको यदि फाइंड करना होता, तो ये ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस x पे है यहाँ पे, तो ऐसे रोटेट कर रहा होगा ये, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्सिया यदि आई वाई की बात करें तो क्या होगा, m इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो r है y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, अब सपोज कि ऑब्जेक्ट को z एक्सिस के अबाउट रोटेट कराए, तो कैसे रोटेट करेगा ये इस तरह चारों तरफ जाएगा। जब ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट जेड एक्सिस क्या होना चाहिए, मास ऑब्जेक्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। अब परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस क्या है, आर है यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एम आर स्क्वायर क्या है हमारा, आई जेड, एम एक्स स्क्वायर क्या है, आई वाई, एम वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया पता हो, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे हम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे उसमें मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर के अबाउट नॉन रहेगा। ये डेरिवेशन है, आपको मैं एक डेटा लिख दूंगा कि इसका ये होता है इसका ये होता है, उसको याद रखना है और उसके पैरेलल कभी भी यूज करना होगा तो ये दोनों मेथड मास्टर
फॉर्मूला की तरह हमारे पास काम करेगा और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम अभी फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन में फर्स्ट लिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। तो एक हमने थिन रॉड लिया है जिसका मास हमें पता है m है और इसका लेंथ l है, इसका सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, बीच में होना चाहिए। अब इसी बीच से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास c है ये, इसी से मैंने क्या किया एक परपेंडिकुलर एक्सिस लिया ऐसा और इसी के व्हाट रोटेट करा रहे हैं रॉड को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, एम फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का एक मेथड भी क्या होता है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स लेंथ लेते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर होगा और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे सेंटर यहाँ से लिया था माइनस एल बाई टू इधर और राइट साइड में प्लस एल बाई टू, तो हमको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पासिंग पर एक्सिस, फिर एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रॉड, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा आई सी बोल सकते हैं यहाँ पे, आई सी इक्वल टू होगा हमारे पास एम एल स्क्वायर बाय 12। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज एम एल स्क्वायर बाय 12। अब ये तो हमको नोन रहेगा या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि हम पूछते इसी में यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम शिफ्ट कर दें जस्ट पैरेलल टू ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है जो सेंटर से पास कर रहा है, अब मान लो कि सेकंड केस ये है कि इस रॉड को ऐसे ही रखा है हमने और एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऐसे शिफ्ट कर दिया, सेंटर के अबाउट हमको मालूम है आई सी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पे यदि फाइंड करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो हम जानते हैं कि इसके अबाउट हमको मालूम है और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के जस्ट पैरेलल है हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हम फर्स्ट वाले रूल फॉलो करेंगे, कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस हमारा h की h इक्वल टू कितना होगा, h इक्वल टू l बाय 2 होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एट दिस एंड क्या हो जाएगा, i इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, फॉर्मूला होता है आई सी क्या है एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस यहाँ पे एम इंटू एच कितना है एल बाय 2 का स्क्वायर, इसको यदि सॉल्व करेंगे क्या होगा हमारा 1 बाय 3 एम एल स्क्वायर। तो किसी वन एंड पे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम एल स्क्वायर बाय 3। जरूरी नहीं यहीं पे हमको फाइंड करना हो, कहीं पे भी डिस्टेंस यहाँ पे भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है और यहाँ पे भी दे सकता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल क्या लगेगा, इसके पैरेलल में है तो एम एच स्क्वायर और इसके अबाउट यदि रोटेट कराए, क्योंकि थीन हमने लिया है तो ऑलमोस्ट इसका आर जो होगा ऑलमोस्ट जीरो समझा जाता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके बाद क्या है हमारा रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से कितना होगा, उसके टेंजेंट से कितना होगा, उसके डायमीटर के लॉन्ग कितना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने लिया रिंग और इसका मास है एम, थीन रिंग है जिसका मास एम है और रेडियस आर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना रहेगा। यहाँ पे इसके सेंटर यहाँ पे है, द सेंटर के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना हो आई सी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, थिन थोड़ा सा स्लैब लेके डी एम मास का और इसको पर यूनिट मास से निकाल सकते हैं और इसका मास डी एम कैसे निकालना, डी एम यदि निकालना हो तो क्या हो जाएगा डी एक्स लेंथ का ले लेते हैं ये, तो डी एक्स पहले तो कंप्लीट 2 पाई आर डिस्टेंस का मास है हमारा एम, तो पर यूनिट डी एक्स लेंथ के लिए कितना हो जाएगा डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा हमारा आर के टर्म में ये इंटीग्रेट हो जाएगा और हमारा फाइनल आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू आर स्क्वायर, ये सेंटर के अबाउट है। तो रिंग के एक्सिस से जब कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है तो वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हो जाएगा
m into r square. इसी का आगे यूज कर सकते हैं क्या, यदि इस रिंग के टेंजेंट से कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा हो, ये टेंजेंट जो है इस डायमीटर के परपेंडिकुलर है, ये याद हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है टेंजेंट और ऐसे भी हो सकता है, एक डायमीटर के पैरेलल भी हो सकता है और परपेंडिकुलर, ये हमने लिया है इसके पर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है, यहाँ पे आई सी के अबाउट हम जानते हैं कितना होता है, आई सी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसके पैरेलल में दूसरा हमने एक्सिस लिया है, तो यहाँ पे एच का क्या वैल्यू हो जाएगा, आर, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी कितना है एम आर स्क्वायर प्लस एच कितना है आर, तो एम आर स्क्वायर एक और टर्म आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2mr स्क्वायर, आई इक्वल टू 2mr स्क्वायर, कहाँ पे, जब इसके डायमीटर के परपेंडिकुलर मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी तो इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल बोल सकते हैं, टेंजेंट पे है मीन्स यहाँ पे टच कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 2mr स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हो सकता है कि यदि हम पूछ दें इसके डायमीटर के अलावा क्या होगा, तो वो कैलकुलेट करने का भी आसान मेथड है, क्या डायमीटर के वर्ड लेना मीन्स क्या है, ये एक रिंग है, मैंने अब इस प्लेन में रखा, पहले क्या था ये मैंने इस तरह रखा था और कैलकुलेट कर दिया, अब हमने ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, तो इस पे हम बना देते हैं एक्स एक्सिस और एक बना दिया हमने वाई एक्सिस और इसको बना लिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस और आर रेडियस है और मास एम है, तो इस डायमीटर के अलावा हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई डायमीटर होगा क्योंकि ये है सेंटर से पास कर रहा है और ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर के थ्रू पास कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो आई एक्स और आई वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आई डी लिख सकते हैं, आई वाई यहाँ पे जो होगा क्या होगा, आई डी डायमीटर के अबाउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यदि देखिए, हम जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या होता था, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई और आई जेड यहाँ पे क्या है, ये वाले कंडीशन है, ये यहाँ पे आई जेड के अबाउट एम आर स्क्वायर था, तो ये क्या होना चाहिए, एम आर स्क्वायर होना चाहिए, इधर आई एक्स क्या है, आई एक्स हमको डायमीटर के अलॉन्ग मालूम था, आई डी हमने लिखा इसको, और डायमीटर ऐसे हो या ऐसे रोटेट कराए या ऐसे रोटेट है, कहीं भी रोटेट कराएंगे तो डायमीटर ही होगा, तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, ये भी डायमीटर की है, तो आई डी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2id इक्वल टू एम आर स्क्वायर है, तो id कितना होना चाहिए, एम आर स्क्वायर बाय 2, तो डायमीटर के अबाउट यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द रिंग क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब हो सकता है कि इस ये जो मैंने प्लेन में लिया है रिंग, इसके पैरेलल मीन्स डायमीटर के पैरेलल में यदि फाइंड करना होगा तब क्या करेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल है, इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करने वाली लाइन क्या है, आई डायमीटर, वो हम जानते हैं कितना, एम आर स्क्वायर बाय 2। अब जब इसके जस्ट पैरेलल एक यदि टेंजेंट लिया जो इस एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे इस प्लेन में एक रिंग है और यहाँ पे हमको फाइंड करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम जानते हैं सेंटर के अबाउट क्या है, यहाँ पे डायमीटर है, आई डी है, यहाँ पे क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और इसके जस्ट पैरेलल मुझे यहाँ पे फाइंड करना, तो क्या होना चाहिए, आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ये है इसके थ्रू है, तो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये आई सी जो यूज होगा इसके लाइन के पैरेलल होना चाहिए और सेंटर से पास करना चाहिए, वो यूज़ करता है, ना कि पहले वाले जो हमने यूज़ किया था ऐसा, वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा यदि आप ऐसा आप करते हैं, तो बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, तो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, आई सी क्या है यहाँ पे, मीन्स आई डी काम करेगा, आई डी कितना एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम एच कितना होगा, देखा जाए तो एच क्या है, आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 एम आर स्क्वायर। इस तरह आप कभी भी कहीं पे भी हमको निकालना है तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज कि एक और है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर रिप्लाई कीजिए। अब हमने क्या किया, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे रखा है
और इस रिंग को, इसको मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है और इस रिंग को मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, इस तरह घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये मैंने डिस्टेंस दिया है यहां से 3R है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये रिंग के लिए था, इसी तरह हमने क्या देखा है, मुझे सेकेंड है डिस्क, डिस्क के बॉटम को कैसे फाइंड करना है, ठीक है।